अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। आज हमारा जो टॉपिक है वो जॉब्स रिलेटेड होगा और वर्क परमिट के रिलेटेड होगा। वर्क वीज़ा को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आयरलैंड में जॉब करने में या आप जस्ट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि ओवरऑल क्या प्रोसेस होता है, तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल मुनासिब है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो कम्प्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, आयरलैंड वेस्ट यूरोप में आता है और बहुत खूबसूरत कंट्री है, क्योंकि यहाँ के जो लैंडस्केप है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ओवरऑल ये कंट्री को देखा जाए तो ये इकोनॉमी वाइज भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री है और एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में इसका नाम भी आता है, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च बहुत ज़्यादा होती है, दुनिया की टॉप कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा सेफ कंट्री है, बहुत फ्रेंडली लोग हैं, आपको हेल्प भी करते हैं और इकोनॉमी वाइज देखें तो बड़ी ग्रोइंग और फास्ट इकोनॉमी है। खैर, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आयरिश है और इंग्लिश भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोली जाती है, क्योंकि एक इंटरनेशनल कंट्री है और वर्ल्ड में ये काफ़ी ज़्यादा रिकग्नाइज्ड है। इस वजह से यहाँ पे आपको लिटरेसी रेट बहुत अच्छा मिलता है और इंग्लिश बोलने वाले लोग बहुत आसानी से मिल जाएंगे। यही वजह है कि अगर आप यूरोप में अप्लाई करना चाहते हैं तो आयरलैंड, नेदरलैंड्स, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं वो बड़ी अच्छी रहती है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश जो है वो एक कॉमनली यूज़ हो रही होती है, तो आपको जो है जॉब मिलना भी आसान हो सकती है। ऑफकोर्स अगर आप उनकी लैंग्वेज में जॉब करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा, सर्वाइवल मुश्किल होगा, फिर ऑफकोर्स आपको जो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तो ये सब चीज़ों से आप काफ़ी ज़्यादा बच सकते हैं। इसके अलावा आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी देखने को मिलती है, यहाँ पर आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा बेटर होता है। खैर, जॉब्स की तरफ आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर दुनिया के टॉप कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं, तो ऑफकोर्स कोई वजह है तो यहाँ पर उनके हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि ये जो टॉप कंपनीज़ हैं ये हायरिंग करती रहती हैं, फॉरेनर वर्कर्स को बुलाती रहती हैं, इस तरह उनके लिए काम डिवाइड करना आसान हो जाता है, काम को ग्रो करना जो है उनके लिए आसान हो जाता है, इंटरनेशनल टैलेंट ढूंढते हैं। यही वजह है कि आयरलैंड ने लास्ट ईयर 2023 में 18,000 से ज़्यादा वर्क वीज़ाज ग्रांट किए, वर्क परमिट ग्रांट किए और फॉरनर्स को जो है ये ग्रांट किए गए। इसमें इंडियंस भी काफ़ी ज़्यादा थे, जिनमें जो इसका फैक्ट बताता है 6,000 से ज़्यादा इंडियंस को इन्होंने वीज़ाज ग्रांट किए। तो ऑफकोर्स हमारे लिए भी आसानी है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम फाइट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। बट द पॉइंट इज़, हमारे पास उस तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हमारे पास उस तरह से लिंक्स नहीं होते कि हम उन पर जाकर उस प्रॉपर चीज़ को फॉलो कर सकें और अप्लाई कर सकें। मोर ओवर, आयरलैंड के अंदर आपको ये भी बेनिफिट है कि यूरो इस्तेमाल होता है, तो आपकी सैलरी जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। एक और अपडेट आपको ये बताता चलूँ कि आयरलैंड को स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है, और दिस ईयर 2024 में इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स में मेंशन किया कि इनको 40,000 से 60,000 फॉरनर वर्कर्स रिक्वायर है, स्किल्ड लेबर के अंदर भी और अनस्किल्ड जॉब्स के अंदर भी इनको रिक्वायर है। तो ऑफकोर्स आपके लिए ये 2024 जो ईयर है ये काफ़ी ज़्यादा आसान और अच्छा हो सकता है अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे और इन जॉब्स को ग्रैब कर लेंगे। रिक्वायरमेंट वाइज देखें तो इन जॉब्स के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है। ऑफकोर्स ये जॉब की नौयत के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, जॉब की टाइप के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उसके अंदर कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। अनस्किल्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, उसमें मेंशन होता है कि उनको किस टाइप का एम्प्लॉय रिक्वायर है, तो फिर आप वो देख के अप्लाई कर सकते हैं। कवर लेटर आपको चाहिए होता है, आपका CV यूरोपास फॉर्मेट में होना चाहिए और अप टू डेट होना चाहिए। आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत मैटर करता है, उसको भी अप टू डेट रखें, वहाँ भी आपको बहुत सारी जॉब मिल सकती है, इंडीड में जॉब्स मिल सकती हैं, इनकी अपनी वेबसाइट है jobs.ia, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑन दी अदर एंड, क्रिटिकल स्किल्स की जो लिस्ट है उस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करूँगा ताकि आप उसको फाइंड कर सकें। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि फॉरेन वर्कर्स को हायर करती हैं, वीज़ा स्पॉन्सरशिप करती हैं और वर्क परमिट ग्रांट करती हैं। इसी तरह की जॉब की वेबसाइट्स के लिंक्स भी मैं ऐड कर दूंगा, और बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो कि आपको जॉब प्रोवाइड कर रही होती हैं, वो आपको हेल्प करती हैं जॉब फाइंड करने में फॉरेनर्स को स्पेशली, तो उनके लिंक्स भी मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड हो जाए। खैर, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एज ए फॉरेनर वर्कर जब आपको एक कंपनी वीज़ा स्पॉन्सर करेगी या वर्क परमिट देगी, तो आपकी मिनिमम सैलरी 2800 यूरोज होगी, जो कि पाकिस्तानी अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 लाख रुपए बनती है। और ये मैं आपको मिनिमम सैलरी बता रहा हूँ, इसका मतलब है कि अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, एक अच्छी जॉब की पोस्ट के ऊपर जाएंगे, तो ऑफकोर्स आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। इन्हीं क्रिटिकल स्किल्स के अंदर साइट मैनेजर्स की जॉब्स अवेलेबल हैं, हेल्थ केयर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि हेड लेवल के अंदर होती है, वहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं। स्पोर्ट्स के अंदर आप जा सकते हैं, टूरिज्म की भी एक अच्छी फील्ड है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट शोबा है, यहाँ पर ऑप्शन हैं, बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट और IT हेड्स, इंजीनियर्स, इस तरह की फील्ड्स के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, क्योंकि ये एक स्किल्ड जो है जॉब्स होती हैं और यहाँ पर इनको एक शॉर्टेज है। मोरओवर, अगर आप बिजनेस से रिलेट करते हैं या सेल्स या मार्केटिंग में जो है जॉब्स कर रहे हैं और आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उस लिस्ट में बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो जॉब्स इन आयरलैंड के ऊपर, और अगर आपका कोई स्टिल कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर इट। बहुत सारे लिंक्स मेंशन कर दिए मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके फाइंड करें और अपनी जॉब को फाइंड करें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, शुक्रिया।